अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 10 में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 10E। यूनिट नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10E। स्टूडेंट, आपकी बुक का पेज नंबर है 180 आपकी बुक का पेज नंबर है, जहाँ पर ये एक्सरसाइज है जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल्स ड्रा करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किन लेंथ से हमारी ट्राइंगल ड्रा हो सकती है और कौन सी लेंथ हो तो हमारी ट्राइंगल ड्रा नहीं होगी। तो आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 180 आप अपनी बुक ओपन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट कंस्ट्रक्शन चेक्स, यानी कि कंस्ट्रक्ट किए बगैर, आप ट्राइंगल को ड्रा किए बगैर चेक करें वेदर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद गिवन साइड्स, कि हमें कुछ साइड्स गिवन है, कुछ मेजरमेंट्स गिवन होंगी, तो हम उनसे चेक करेंगे कि क्या हम ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं या ट्राइंगल ड्रा नहीं कर सकते। तो ये हमने विदाउट कंस्ट्रक्शन हमने ये चेक करना है। इसमें पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है 6.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो स्टूडेंट, ट्रायंगल को चेक करने का ये हमारे पास मेथड है कि जब भी हमने चेक करना हो कि क्या हम इस मेजरमेंट से ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं या ट्राइंगल ड्रा नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास एक मेथड है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन, कि अगर हम किसी दो साइड्स को, एनी टू साइड्स को प्लस करें, दो साइड्स को प्लस करें तो वो तीसरी साइड के ग्रेटर हो, तो वो तीसरी साइड से क्या हो, ग्रेटर हो। अगर हम दो साइड्स को ऐड करें तो वो तीसरी साइड के लेंथ से ग्रेटर हो। अगर दो साइड को ऐड करते हैं तो वो तीसरी साइड से स्मॉल आ जाती है, तो उससे हमारे पास ट्राइंगल ड्रा नहीं होगी। अगर हम दो साइड्स को ऐड करते हैं तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर आएगी, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 2, 2 और ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, 3 और 5, तो अगर मैं 2 + 5 करूँ तो ये आ जाता है 7, तो 7 तो यहाँ पर इन नंबर से, ये तीसरे नंबर से ग्रेटर है, तीसरे नंबर से ही क्या है, ग्रेटर, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रा कर सकेंगे। तो ये है हमारे पास कि अगर हम दो साइड्स को प्लस करें तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर आ जाए तो हम उसमें ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर हमारे पास ये ग्रेटर ना आए तो हम इसको ड्रा नहीं कर सकते। हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं बुक से। इसकी डेफिनेशन है, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द लेंथ, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, कि जब हम किसी दो लेंथ को जमा करें तो वो तीसरी लेंथ के ग्रेटर हो। दिस इज नोन एज ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स विद लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ हैं, जब हमने यहाँ पे दो लेंथ को प्लस किया तो ये 6.3 आ गए स्टूडेंट, यानी कि 8 सेंटीमीटर से कम वैल्यू है, तो इसमें हम ट्राइंगल ड्रा नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे अगर 8 सेंटीमीटर से ये बड़ी वैल्यू आती तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रा कर सकते थे, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर से स्मॉल वैल्यू आई है तो इसलिए हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रा नहीं कर सकेंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम दो साइड्स को प्लस करते हैं तो वैल्यू, इसको फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं 3.4 सेंटीमीटर प्लस मैं यहाँ पर ये करता हूँ 4.5 सेंटीमीटर, मैं वैल्यूज यहाँ पे चेक करता हूँ।
तो ये स्टूडेंट हमने 3.4 सेंटीमीटर एक साइड ये ली और एक साइड हम लेते हैं 6.7 सेंटीमीटर। तो दोनों को प्लस करते हैं, ये हम यहाँ पे लिखते हैं 3.4 और 6.7, तो 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 0.6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो आ जाएगा 10.1 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट ये 10.1 सेंटीमीटर थर्ड साइड से, ये हमारे पास थर्ड साइड थी 4.5, ये हमारे पास साइड थी 4.5, थर्ड साइड है हमारे पास 10.1। हमने दो यहाँ पे साइड्स को ऐड किया है, दो साइड्स को हमने प्लस किया है, तो ये इसका आंसर जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है। इसका आंसर जो है वो थर्ड साइड से क्या है, ग्रेटर। हमने यही पढ़ा था डेफिनेशन में कि अगर हम दो साइड्स को प्लस करें तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर आ जाए तो हम उसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने दो साइड्स को प्लस किया जो कि थर्ड साइड से क्या आ गई है, वैल्यू ग्रेटर आ गई है हमारी, वैल्यू ये क्या हुई, ग्रेटर हो गई है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। हमने दो साइड्स को प्लस किया 10.1 जो कि 4.5 से ग्रेटर वैल्यू है। नंबर सेकंड, फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर और लास्ट है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको ऐड करके देखते हैं, ये हम साइड 4.6 कंसीडर करते हैं, सेकंड हम 2.8 साइड लेते हैं, तो 8 प्लस 6 यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, 4.6 2.8, तो 8 प्लस 6 14, 4 लिखेंगे 1 कैरी कर देंगे, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, तो ये आ जाएगा 7.4। तो 7.4 थर्ड साइड जो 9 सेंटीमीटर है इससे स्मॉल है, ये 9 सेंटीमीटर थर्ड साइड से इससे ये स्मॉल वैल्यू आई है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल बिकॉज सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि वो तीसरी साइड से क्या हुई है, ग्रेटर नहीं हुई, तीस साइड से वो स्मॉल आ गई है वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, ट्रायंगल हमारी ड्रॉ नहीं होगी। तो नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 3, थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, हमने 3.5 सेंटीमीटर प्लस करते हैं 2.2 सेंटीमीटर को, तो 3.5 प्लस 2 आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, जो कि स्मॉल वैल्यू है 6 सेंटीमीटर से, तो हम यहाँ पे भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। हम लिखेंगे वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। हम यहाँ पे ट्रायंगल नहीं कंस्ट्रक्ट करें क्योंकि हमने दो साइड्स को प्लस किया, तो उसका आंसर थर्ड साइड से स्मॉल आया है। अगर ग्रेटर आता तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। नंबर फोर है 3.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हम दो साइड्स को प्लस करते हैं, 3.5 सेंटीमीटर प्लस 5.4 सेंटीमीटर, तो 3.5 और 5.4, 3 + 5 = 8 आ जाएगा, 8.4 + 5 = 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 8.9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। तो हम लिख सकते हैं वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। हम यहाँ पर इन लेंथ्स की मदद से ये ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें वैल्यूज क्या हुई, दो हमने ऐड की तो वैल्यूज थर्ड साइड से ग्रेटर वैल्यू आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लेंथ्स हैं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट दो साइड्स को प्लस करें, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 5 + 2 7 सेंटीमीटर। तो हमने दो साइड्स को प्लस किया है तो 7 सेंटीमीटर आंसर है, जो कि 8 सेंटीमीटर से स्मॉल है, तो स्मॉल होने की वजह से ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी। तो लिखेंगे वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। क्यों हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पाए, क्योंकि दो साइड्स को जमा करने से जो आंसर आया है वो थर्ड साइड से स्मॉल है। ये 7 सेंटीमीटर था, यहाँ पे ये 8 है। अगर ये आंसर 8 सेंटीमीटर से ग्रेटर आ जाता तो हम यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये 8 सेंटीमीटर से कम वैल्यू आई है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 5.2 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर वैल्यू। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, यह आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर प्लस 3.6 सेंटीमीटर, तो इक्वल क्या आएगा हमारे पास 5.2 और 3.6 में, तो 6 + 2 = 8, 5 + 3 = 8। तो स्टूडेंट ये भी 8.8 सेंटीमीटर ही आया है, दोनों इक्वल वैल्यूज आई हैं। ये भी साइड जो दोनों को प्लस करके हमने जो आंसर आया है 8.8, वो थर्ड साइड की इक्वल है। तो जब ये थर्ड साइड की इक्वल हो जाएगा फिर भी हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये थर्ड साइड से ग्रेटर वैल्यू आती है तो फिर हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये 8.8 हम लिखेंगे यहाँ पे वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। ये था स्टूडेंट पार्ट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 के करने से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 10E हमने कंप्लीट की। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।